तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से चैनल के अंदर एक बार। तो भाई आज की वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि क्योंकि भाई आज जो है मैं जो है एक सेकेंड हैंड स्प्लेंडर खरीदने जा रहा हूँ। जी हाँ, 2010 मॉडल करीब का है। OLX पे मैंने जो है परचेज किया था, मतलब OLX पे जो है मैंने इसकी डिटेल वगैरह जो है जानी थी और अपने लोकल एरिया में से था, तो भाई मैंने जो है परचेज करने का इरादा बना लिया। और बाइक की कंडीशन मैं आपको दिखाऊँ, ओनर अगर चाहेगा तो मैं भाई मिला दूंगा ओनर से, अदरवाइज नहीं चाहेगा तो, क्योंकि कई लोग जो है कैमरा शाही होते हैं और नहीं आते हैं, तो देख लेंगे एक दो। मैं वैसे मिल चुका हूँ एक बार भाई को पहले, गाड़ी मतलब देख लिया मैंने, बट आज मैं जो है उसे पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो सब करके जो है उसे घर ही लेके आ रहा हूँ बाइक को। और काफ़ी टाइम लग गया इस बाइक को ख़रीदने में, मतलब मुझे 1-1.5 हफ्ता लग गया पूरे जो प्रोसेस होने में जो है उसमें, जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अदरवाइज मैं इसको कई दिन पहले जो है ख़रीद लेता, बट थोड़ा टाइम लग गया, कई चीज़ें बीच में आ गई थी तो उस वजह से जो है। और तो भाई अब जो है चल गए बाइक से, तो मैंने और भाई ने जो है एक ही लोकेशन डिसाइड करी, तो क्योंकि भाई का भी वहाँ आना जाने का काम था और मेरा भी जो है वहीं आने का जाने का काम था, तो हमने कहा वहीं मिल जाते हैं दोनों एक साथ। तो भाई ये जो है अपनी सामने आप देख रहे होंगे बाइक जो है सेकंड हैंड हमने ले रखी है ये वाली, तो पूरे जो प्रोजेक्ट आएंगे। बाकी इसमें हमें जो है साइलेंसर जो है ओल्ड वाला मिल ही गया है, अब ये पता नहीं ये ओरिजिनल है या बट पर ओल्ड टाइप का है, साउंड थोड़ा ठीक है इसकी। बाकी पीछे से गाड़ी ऐसी कुछ है नहीं कि लौंडो लपाड़ा वाली, मतलब टच नहीं हो रही है ज़्यादा गाड़ी। बाकी कंडीशन आप देख सकते हैं पूरी बाइक की, थोड़ा इंजन का तो पूरा काम होएगा भाई, देख ही सकते हैं आप जो है पूरा ब्लैक हो रखा है, प्लस नीचे भी जो है इंजन ऑयल की जो है पूरी वो देख सकते हैं आप, अंदर पूरा इंजन ऑयल का वर्क है। बाकी ये चीज़ तो नॉर्मल है, ये हिल रही है, जैसे ये पूरी हिल रही है। एंड सुबह सुबह मुझसे जो है बाइक गिर गई और इसका जो है इंडिकेटर भी अभी टूटा, मैंने पूरा ही निकाल दिया है। टूट गिरी क्या मतलब हो गया अब जैसा होना था, थोड़ा ये जो है पहले से बैंड था, थोड़ा गिरने के बाद और बैंड हो गया है, बाकी इधर से तो ऐसा कुछ है नहीं। पीछे के टायर की अगर हम बात करें, इधर से आप देख सकते हैं भाई, यहाँ से आपको साफ दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पूरा जो इंजन ऑयल है वो सारा दिख रहा है, मतलब काम बहुत है इस पर ये है कि आपको देखने में मज़ा आएगा जैसे जैसे इसमें काम होता रहेगा। बाकी सॉकर पूरे ख़त्म है, पूरे डबे हैं देख सकते हैं आप, पूरा ये देखिए इतने उसमें जो है पूरा सॉकर आ रहा है। पीछे का रिम जो है थोड़ा बैंड हो रखा है एक जगह में, स्टील रिम है स्पोक वाला, तो ये बैंड हो रखा है थोड़ा, चेन कवर नहीं है इसमें बस। बाकी ऊपर से भाई जिसकी भी होगी गाड़ी, उसने इधर जो है साइड साइड में जो लग रहा है डेंट पड़ा है या कुछ, थोड़ा ये शाइनिंग नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ थोड़ा शाइनिंग नहीं है यहाँ पे। भाई अपनी जो है ये कुछ जो है स्प्लेंडर है, तो अब जो है इन फ्यूचर आपको जो भी मॉडिफिकेशन दिखेंगे वो सब इसी पे दिखेंगे, और ऐसे मॉडिफिकेशन भी दिखेंगे जो पुरानी वाली बाइक पे हम नहीं कर पा रहे थे, बट जो है इसी बाइक पे जो है आपको अब सारे जो मॉडिफिकेशन है वो सारे देखने को मिलेंगे। बाकी व्यू आप देख सकते हैं, यार मैं कैसी जगह पर आपके लिए जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये जगह मैं बहुत चुन के निकाल के लाया हूँ आज, मैंने कहा आज इस बाइक की जो पहली वीडियो है वो किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर काफ़ी बढ़िया लोकेशन जो है देखने को मिले। तो पूरे इस एरिया के अंदर एक बाइक यही खड़ी हुई है यहाँ पे, और बाकी पीछे कुछ जो है भैंसे जा रखी हैं। एंड भाई ऐसी कुछ है जो मैंने थोड़ा बहुत आपको जो है दिखा दी है बाइक कैसी है, बाकी स्प्लेंडर तो आपको पता ही है कैसी है, इंडिकेटर मैंने तोड़ा है अभी। और बस बाकी आगे का काम जो भी है वो आपको इसी पे देखने को मिलेगा।
अपडेट जो भी आती रहेंगी वो आपको स्टोरी या उसके माध्यम से, जो अपना कम्युनिटी टैब है उसके माध्यम से देखने को मिल जाएगी। पूरा इंजन जो है, टायर टायर आप देख रहे होंगे, इसके टायर जो है पूरा हिल रहा है, यानी कि बबलिंग मार रहा है फुल। और बाकी साइड से जो है गाड़ी तो ठीक लग रही है, शॉकर वगैरह पूरे चल रहे हैं, इतना भी नहीं है, पर टायर पूरा देखे बबलिंग मार रहा है, मतलब पीछे से देखने में पता चलेगा पूरा। ये देख सकते हैं यहाँ से पूरा पता चल रहा है इसका, पूरा ऐसे लहर मार रहा है यूं यूं करके। वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा, ये पूरी बाइक ऐसे हिल रही है, बहुत बहुत ही तगड़े तरीके से हिल रही है, मतलब क्या बताऊँ। हैंडल से लेके सीट से लेके अपना जो फुट रेस्ट है, बट फिर भी सिंगल हूँ, क्या पता चढ़ जाए, पुरानी बाइक है, सेकंड गियर हो तेरी, हो तेरी सेकंड गियर में, सेकंड गियर में, सेकंड गियर, सेकंड गियर, सेकंड गियर, सेकंड गियर, सेकंड गियर, ओह शिट, अब तो चढ़ाना ही पड़ेगा, पहला ही गियर डाल दे भाई। इंजन ठीक है इतने हिसाब भी से, फर्स्ट गियर, फर्स्ट है फर्स्ट। तो वही फाइनली उसके बाद जो है मैं यार घर आ चुका था। एंड जो लास्ट क्लिप आपने देखी ना, अगर आपको पूरी जो है क्लिप देखनी होगी, ये सारी जो मैंने एक्शन कैमरा से रिकॉर्ड करी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक अदर वीडियो का लिंक है, वो आप चेकआउट कीजिए। वो मैंने दूसरे चैनल पर अपने डाल रखी है, एक नया चैनल मैंने बनाया था बीच में, बट वो यार डिमोनेटाइज हो गया 2-3 बार का, तो उस वजह से उस पर जो है ऐड वगैरह कुछ नहीं चलती है। तो उस पर थोड़ा सपोर्ट दिखा दो, क्योंकि कुछ टाइम बाद जो है यूट्यूब उसे जो है बंद करने वाला है। खैर वो बात और है, देखनी होगी पूरी क्लिप जो है मैंने उसमें डाल रखी है, यहाँ तो मैंने छोटी छोटी डाली है, अदरवाइज ये तो 16-17 मिनट की जो है वीडियो बन जाती। और बाकी जो जो नया चैनल है उसमें जो है ब्लॉग वगैरह आते रहेंगे, और कुछ टाइम के लिए जो है इस चैनल पे जो है वीडियो फिर से नहीं आएगी, क्योंकि मैं जो है जा रहा हूँ अपने गाँव को, और जो गाँव से वगैरह जो है वीडियो वगैरह बनाऊँगा मैं, तो वो भी आप जो है नए चैनल पर ही देखना, वहाँ जो है आपको जो है दिखती रहेंगी। बाकी कुछ टाइम बाद जो है फिर से दोबारा जो है इसमें मॉडिफिकेशन की जो वीडियो है वो शुरू हो जाएंगी, इसी वाली बाइक के ऊपर होंगी अब।